लेट्स डिस्कस द टेस्ट. ठीक है, प्लीज सेंड द टेस्ट. अगेन आई एम सेइंग टेस्ट सेंड करा करो. अच्छा, टेस्ट में, बायो टेस्ट में क्वेश्चंस थे हमारे पास. तनिश एक मिनट बेटे, बायो टेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन था, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वेयर आई डिडक्ट द मार्क्स, मैंने मार्क्स कहाँ कहाँ काटे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन था आपका डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. बच्चे मैं एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ अच्छी तरह से. इफ़ यू विल नॉट फॉलो दिस थिंग आफ्टर दैट मार्क्स विल डिडक्ट एन एग्जाम, सो बी केयरफुल. पहली बात, डिफरेंस पॉइंट ऑलवेज शुड बी पैरेलल. ठीक है, सेकेंड थिंग, उसके बाद डिफरेंस जो है इट्स नॉट रिटन, इट्स तो ओपन क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन द पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, तो यू हैड रिटन द फंक्शंस आल्सो, बट राइट डाउन द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चरल, मतलब बेसिस, स्ट्रक्चरल बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट करो, पहली बात. सेकेंड थिंग, आप लोगों ने डिफरेंस लिखे हैं, एक ही पॉइंट को आगे रिपीट करते जा रहे हो, लाइक दिस इज लिविंग सेल्स, दीज आर डेड सेल, देन साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म इज एब्सेंट, लाइक दिस काइंड ऑफ द डिफरेंस यू आर राइटिंग. सो बेटर टू राइट डाउन प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन दीज, और इफ द वन मार्क क्वेश्चन देन टू पॉइंट शुड बी देयर. ठीक है, टू मार्क्स क्वेश्चन इन द फोर पॉइंट शुड बी देयर. Right, difference between parenchyma and sclerenchyma, you had written the functions also, but better to write down the structural difference. Clear? Marks वहाँ पे जिसका कोई deduct हुआ है वो आपको पता लग गया कि why deducted, right? Second question हमारा था draw the diagram of the collenchyma. बच्चे book में और net पे और anywhere, wherever you had seen the diagram, please डोंट ड्रॉ द डायग्राम्स फ्रॉम एनी बुक. डायग्राम्स जो हम करवा रहे हैं दैट यू हैव टू फॉलो. कोलेनकाइमा में दोज हू हैड प्रिपेयर्ड लाइक दिस मेड द डायग्राम लाइक दिस. राइट, अब इसमें अगर आपने ऐसे छोड़ दिया और विक्यूल और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म यू हैव टू मेक. Right, this diagram. This is the diagram of the parenchyma. अगर यहाँ पे आप intercellular space को cover नहीं कर रहे हो, then this is the diagram of parenchyma. When the collenchyma, you have to fill this. जिन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, marks नहीं दिए, because this is the parenchyma. Or you can do one more thing like this. इसको entry दे दो. Boundary. Like this. This is the collenchyma. Excuse me, ma'am. एक सेकेंड बेटे. This is colon. हाँ जी बोलो. मैम एंटर कर लो. क्या कर लो? एंटर कर लो. कर दिया हुआ है बेटे. Who is saying? दूसरे. हाँ जी, हाँ जी. मैम. Done बच्चे. Thank you, ma'am. Look here. This is the collenchyma, and then after that you have to label nucleus, cytoplasm, vacuole, cell membrane. This you have to label it properly, right? If you will not shade this portion, then marks will be deducted. Is it clear? Third question was like the different type of the meristematic tissues and their function. We had not asked their structure. Different type of meristematic tissue and their function. That means apical, lateral, intercalary. आपने उसके function लिखने हैं. Where it is located, where it is present, we had not discussed. We will not मतलब write. You have not. You will not write down the structure or the location where these are present. You have to write down the functions only. Is that clear? वहाँ से आपके marks कटे हैं. Half half mark for the naming. And half of mark for their functions. Is that clear, bache? Okay. Now, after this, now what I am we had discussed xylem. We had discussed. Yes. Yes, Raghav, unmute yourself.
राघव अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। मैम मैंने पूछना था कि जैसे डिफरेंस आता है तो वो जरूरी है कि पैरेलल ही करना है? सॉरी रिपीट करो या कोई और बोल लो व्हाट ही सेइंग। मैं पूछ रहा हूं कि जब डिफरेंस आता है तो जरूरी है कि डिफरेंस है टेबुलर फॉर्म में ही करना है पैरेलल करके या डेफिनेशन से भी करना है? बेटर टू राइट डाउन इन द डिफरेंस फॉर्म, यू विल नॉट राइट डाउन इन अ पैराग्राफ फॉर्म। इफ द डिफरेंस क्वेश्चन इज देयर देन यू हैव टू राइट डाउन इन अ पैराग्राफ इन द डिफरेंस फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म में टेबुलर। हां जी हां जी, राइट। जाइलम का डायग्राम वी ऑलरेडी मेड, जाइलम वी डिस्कस्ड आफ्टर। यस कनिष बोलो बच्चे। यस कनिष। मैम एक्सक्यूज मी मैम बोलो। मैम आपको टेस्ट मैम 730 सेंड कर सकता हूं हमेशा? टेस्ट क्या बेटे? मैम 730 सेंड कर सकता हूं? ओके मैम। चलिए xylem we had discussed, ठीक है, diagram that we made, हमने xylem का diagram बनाया था। After completion of the phloem, I will again revise the diagram of the xylem, ठीक है। Today we will discuss the phloem. What we said, xylem we discussed in case of the xylem, that is the xylem and the phloem, both are called the vascular bundle or vascular tissue. Right, xylem carry the water from the roots, from the minerals, like roots, say water and minerals it will take and it will give to the leaves for the preparation of food. Now what the phloem will do, they will prepare yani ki food, they will transport the food from to the, dekho ye plant ho gaya, theek hai, yahan se roots ne, they will absorb the water, right, bache water yahan gaya, it will give the water, yahan pe agar leaf hai it will give the water to here, right। अब जब पानी दे दिया, मिनरल्स दे दिए, देन दे विल प्रिपेयर फूड। अब ये हो गया यहां से अपवर्ड में गया, दैट इज द यूनिडायरेक्शनल। बट व्हेन फ्लोएम विल प्रिपेयर फूड, इट विल गिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल गिव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज द बाई डायरेक्शनल, दिस इज बाई डायरेक्शनल। जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम इज bidirectional because it will give food to the lower part as well as to the upper part, theek hai। What is phloem? Phloem is the food conducting tissue, right? Phloem is a food theek hai ji, phloem is a food conducting tissue of प्लांट्स। नाउ एज वी डिस्कस जाइलम के भी हमने फोर पार्ट्स करे थे, जिसमें से जाइलम पेरेन्काइमा वाज लिविंग, जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग एंड रेस्ट थ्री आर द डेड। अब यहाँ पे भी फ्लोएम के चार पार्ट्स हैं। व्हाट आर दीज? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स है ना, मैं इधर लिखती हूँ, सीव ट्यूब्स, आई एम राइटिंग हियर, सीव ट्यूब्स, ठीक है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, एंड फ्लोएम फाइबर्स, दीज आर द फोर पार्ट्स, राइट। नाउ वी विल ड्रॉ द डायग्राम, now we will draw the diagram for this। ये चार पार्ट किए थे, इसमें से सीव ट्यूब क्या है? डेड, लिविंग एज वेल एज डेड, दिस इज द एक्सेप्शन, लिविंग एज वेल एज डेड। दिस वन पेरेन्काइमा इज लिविंग, ठीक है, कंपेनियन इज लिविंग, दीज थ्री आर लिविंग एंड वन इज डेड, और वी कैन से टू आर लिविंग टू आर डेड। बच्चे क्लियर है? सीव ट्यूब वी विल कंसिडर इन बोथ लिविंग भी और नॉन लिविंग, मतलब लिविंग एज वेल एज डेड, ठीक है। क्यों? बिकॉज अर्लियर स्टेजेस द सीव ट्यूब वॉज लिविंग एंड वेन इट बिकम्स परमानेंट लेटर ऑन जाके ये डेड हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चे? ठीक है, नाउ डायग्राम, ठीक है, अब डायग्राम। हाँ जी बोलो बेटे। लेकिन अगर हमें एमसीक्यू फॉर्म में आए और हमें ऑप्शन ना दियो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इफ वी विल गिव तो ऑप्शन होएगी आपके पास, तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन चेक करनी है, नो वरीज अबाउट दैट वन, ठीक है, करें?
ओके नाउ अब इसमें ये क्या करते हैं, इन चारों चीजों के हमने क्या करने हैं, इन चारों चीजों के हम फंक्शंस भी करेंगे और इनकी स्ट्रक्चर्स भी करेंगे, राइट। नाउ लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द सीव ट्यूब। पहले अब इसमें सीव ट्यूब अगेन लाइक दिस, जैसे आपने उसमें बनाया था जाइलम के केस में, राइट, वेसल्स की फॉर्म में ही, इट इज अगेन लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पे दिस इज सीव ट्यूब, सीव ट्यूब इज हैविंग अ, यहां पे इस तरह से इसके अंदर पोर्स प्लेट्स हैं, दीज आर द प्लेट्स जिसके बीच में से पोर्स हैं थ्रू विच द फ्लूइड विल मूव डाउन और इन द अपवर्ड, ठीक है बेटे, इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज सीव ट्यूब, सीव प्लेट ये आपके पास है, सीव ट्यूब, दीज आर सीव प्लेट्स एंड दीज आर सीव पोर, ये पोर्स हैं, राइट, दिस इज सीव पोर। अब ये जो सीव ट्यूब्स हैं, ठीक है जी, व्हाट दिस सीव ट्यूब विल डू, अब ये सीव ट्यूब क्या करेंगे, अर्लियर इट वॉज लिविंग, लेटर ऑन डेड, ठीक है जी। सीव ट्यूब्स क्या करती हैं, दीज आर हैविंग द परफोरेटेड वॉल्स, सीव ट्यूब्स के अंदर परफोरेटेड वॉल्स हैं, पोर्स बने हुए हैं जिसके बीच में से मटीरियल विल मूव डाउन और इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। Have perforated wall, conduct food material prepared by leaves to all parts of the plant. This sieve tube is having a perforated plate that is called sieve tube, which is having the pores through which the food material will pass down and the upward direction. Clear? Is it clear? Sieve tubes kya karti hain? These are sieve tubes. Write down sieve tubes. Have perforated walls. Sieve tubes have perforated walls. Sieve tubes have perforated walls. ठीक है? Conduct food material prepared by leaves to all parts of the plant. To all parts of the plant. और यहां पे चाहे लिख लो, it is earlier it was living. Earlier it was living, क्योंकि ये exception है, later on dead, एक hint अपने पास लिख लेते हैं, right? Is this point clear? Right बच्चे, अब अगर ये dead हो गए, या अब ये जो sieve plates हैं, what is the function of the sieve plate? Sieve tube तो हो गया कि regular वो ऊपर नीचे लेके जाना, बट सी प्लेट विल डू, ये रेगुलेशन, मतलब एकदम से चीज नीचे ना चले जाए, एकदम से बाहर ना आए, मतलब इट विल रेगुलेट, मेंटेन द बैलेंस, ठीक है, टू रेगुलेट। नेक्स्ट लिखो, लिख लिया बेटा, ठीक है। एंड व्हाट दिस सी पोर विल डू, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, हेल्प्स इन transportation of material up and down. मैम वो साइड पे आपने क्या लिखा है, earlier it was living, later on dead, because this is the exception ना, this is the exception, sieve tube considered as a living or a dead, because earlier it was living and later on ये जैसे बढ़ते जाते हैं then dead हो जाते हैं, and sieve plate they helps in the regulation, sieve pore help in the transportation of material up and down, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, हो गया क्लियर। सीव ट्यूब का भी फंक्शन लिख सकते हो, दे हेल्प इन द, मतलब दीज आर द कंट्रोलिंग यूनिट्स, यू कैन से द कंडक्शन ऑफ द मटीरियल, दिस इज द कंडक्टिंग चैनल, ठीक है, साइड टू साइड पड़े होते, दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द मटेरियल, हो गया। मैं ये वाली चीजें रब कर रही हूं जो साइड पे लिखे हैं मैंने,
राइट देन अब ये अगर डेड है देन हु विल डू, यहाँ पे अब कौन सी यानी कि लिविंग चीज आएगी, देयर विल बी अ कंपेनियन सेल, देयर इज अ कंपेनियन सेल कंपेनियन, कंपेनियन क्या होता है साथी है ना, तो ये उसके साथ में उसकी हेल्प करेगा, कंपेनियंस आर जो उसकी कंपनी करता है, कंपेनियन पार्टनर्स राइट, दीज आर कॉल्ड द कंपेनियन सेल, दीज आर कॉल्ड कंपेनियन सेल, ठीक है जी, ये क्या है कंपेनियन सेल जो कि लिविंग है। अब अगर ये लिविंग है दैट मीन्स इट हेल्प्स इन द कंट्रोल, यानी कि ये रेगुलेशंस को कंट्रोल करेगा कि सीव ट्यूब कौन सी चीजें अप एंड डाउन कर रही है, उसकी वर्किंग को मैनेज करेगा। सीव ट्यूब आर डेड, कंपेनियन सेल आर लिविंग, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशंस ऑफ, यानी कि हेल्प्स इन द वर्किंग ऑफ द सीव ट्यूब, उसकी वर्किंग में हेल्प करता है कि चीजें जो है वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए। इज दिस क्लियर बेटे, इज इट क्लियर, चलिए वहां पे लिख लो वर्किंग ऑफ द सीव ट्यूब, हेल्प्स कर लो या रेगुलेट कर लो, हेल्प्स इन द वर्किंग ऑफ सीव ट्यूब्स, दैट मीन्स हेल्प्स और रेगुलेशन, रेगुलेट, ओके ओके, कंपेनियन सेल इज ओके, बट सीव ट्यूब विल डू ओके, टू पार्ट्स वी हैड डिस्कस्ड, नाउ द थर्ड इज फ्लोएम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा इज लिविंग, हमने जाइलम में भी पेरेन्काइमा बनाया था साइड पे राइट, अब नाउ अगेन वी विल ड्रॉ द पेरेन्काइमा, ठीक है पेरेन्काइमा वी विल मेक, पेरेन्काइमा इज हैविंग अ वैक्यूल क्योंकि प्लांट्स में बना रहे हैं एंड न्यूक्लियस एज वेल एज द साइटोप्लाज्म, पेरेन्काइमा इज द लिविंग ठीक है जी, इज इट क्लियर बेटे, दिस इज फ्लोएम पेरेन्काइमा राइट, पेरेन्काइमा लिविंग एंड हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, दिस इज फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड इट हेल्प्स इन द लिविंग, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, क्लियर है, राइट, थ्री थिंग्स वी मेड, थ्री सब पार्ट्स वी टाइप्स वी मेड, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड नाउ फ्लोएम फाइबर, यू कैन ड्रॉ हेयर और यू कैन ड्रॉ हेयर लाइक दिस, कहीं पे भी यू कैन ड्रॉ, दीज आर द डेड, फ्लोएम फाइबर्स आर डेड, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स आर डेड, डेड स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स आर डेड स्क्लेरेन्काइमा, यहां पे ये डेड है तो दैट मीन्स स्क्लेरेन्काइमा है एंड इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्लोएम फाइबर्स आर हैविंग डेड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है एंड दीज आर डेड एंड इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन, डायग्राम इज क्लियर टू एवरी वन, मैम यही है फाइनल डायग्राम जो आपने, यही डायग्राम बनाना है बिल्कुल, यू हैव टू ड्रॉ द सेम डायग्राम, बुक वाला डायग्राम वी विल नॉट मेक, ठीक है, इज इट क्लियर,
जाइलम का भी जो हमने ड्रॉ किया था, वी विल ड्रॉ ओनली दैट डायग्राम, याद है ना? जाइलम का मैं एक बार बता रही हूँ, जाइलम का भी वी हैड ड्रॉन लाइक दिस। मैं एक बार फ्लोएम फाइबर बता दो। फ्लोएम फाइबर्स आर द डेड, दीज आर द डेड, तो दीज आर द स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दिस इज फ्लोएम फाइबर्स and this is phloem parenchyma, this is the diagram of the phloem. Humne xylem ka bhi isi tarah se banaya tha, these are having the perforations thi, pits thi iske andar, right? On this side humne yahan pe banayi thi, like this, theek hai? Xylem tracheids, this is xylem vessel, xylem tracheids, here we made the xylem parenchyma, right? ये हमने बनाए थे, मैं एक सिर्फ रिवाइज दोनों को समझा रही हूँ, दोबारा नहीं कर रही। इसके बीच में बहुत प्रॉपर से छोटे छोटे सर्कल्स होने चाहिए, ऐसे 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 मर के मत बनाना, ठीक है? यू हैव टू ड्रॉ सर्कल्स ओवर हेयर, आपको यहाँ पे प्रॉपर सर्कल्स बनाने हैं। प्लीज पूरा बना दो फिर से। क्या बनाऊं बेटे? ये जाइलम का फुल डायग्राम बना दो। सॉरी दोबारा बोलो प्रतीक्षा। मैम जाइलम का फुल डायग्राम बना दो लेबियम के साथ। जाइलम का ही बना रही हूँ बेटे। हाँ जी। तभी बना रही हूँ बच्चे, इट विल बी क्लियर। और प्रॉपर सर्कल्स के साथ इसको फिल करना है। Like this, right? This is xylem vessel. ये आपके पास है xylem vessel, ठीक है? This is xylem tracheids. This is xylem tracheids, right? Xylem parenchyma. एंड जाइलम पेरेन्काइमा भी हो गया, तीन पार्ट हो गए इसके। देन द फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ जाइलम, that is the diagram of phloem, that you have to draw it in your fair notebook. Okay bachche, kisi ko abhi bhi, Chaitanya clear hai? Bachcha be attentive because this is not easy ki aap apne aap kar lo, try to understand. Excuse me ma'am. Haan ji ma'am, phloem fibers ek baar bata do. These are the phloem fibers bete, these are the dead cells. ये स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स हैं। मैम हेल्प्स इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ फॉर द स्पोर्ट, राइट? अब यहाँ पे वन क्वेश्चन इज देयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक कैन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बिकम परमानेंट? क्वेश्चन दो तरह से आपसे पूछते हैं, कैन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बिकम परमानेंट? और इसका आंसर क्या होगा कि कैन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट बन सकते हैं? यस। अगर क्वेश्चन आ जाए इसका तो आंसर यस है, वो आप कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन है कि कैन परमानेंट टिश्यू, कैन परमानेंट टिश्यू बिकम मेरिस्टेमेटिक? मेरिस्टेमेटिक मींस जो डिवाइड होता है, और परमानेंट क्या है? लूज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन, है ना? जो अपनी प्रॉपर्टी लूज करता है और मेरिस्टेमेटिक डिविजन करते हैं, दैट मीन्स कैन परमानेंट टिश्यू बिकम मेरिस्टेमेटिक? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
बच्चे हो सकते हैं पर नो अकॉर्डिंग टू यू दैट इज नो बट देयर इज वन एक्सेप्शन. आंसर हमारा अगर नॉर्मली यूजुअली हम बात करें तो आंसर इज नो बिकॉज परमानेंट दोबारा से डिवीजन नहीं कर सकते. जो एक बार अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी या परमानेंट बन गए आफ्टर दैट अगेन दे विल नॉट बिकम मेरिस्टेमेटिक. बट हियर इज वन एक्सेप्शन एंड दैट इज कॉल्ड कैम्बियम. ठीक है राइट डाउन आंसर. नॉर्मली इसका आंसर होगा नो बट इन सम प्लांट्स वन टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट. राइट डाउन नो इसका आंसर क्या है. नो नो है ना. बट इन सम प्लांट्स नोट कर लो अपना बेटे. बट इन सम प्लांट्स यानी कि किसी किसी प्लांट के अंदर देयर इज एक्सेप्शन. वन टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच इज परमानेंट देन रिमेन एज इट इज. ठीक है एंड देन द स्टेज इज कम देन अगेन इट स्टार्ट डिवाइडिंग. ठीक है कुछ पौधों के अंदर ऐसा फीचर है कि वो पहले परमानेंट होते हैं. वो बहुत देर पहले मेरिस्टेमेटिक से दे बिकम द परमानेंट. परमानेंट रहने के बाद वो बहुत देर उसी में रहते हैं परमानेंट में रहते हैं. दे विल रिमेन एज इट इन द परमानेंट स्टेज. आफ्टर दैट दे विल अगेन रीडिवाइड डिवीजन होती है. देन अगेन दे बिकम द मेरिस्टेमेटिक एंड देयर इज अ एक्सेप्शन दैट इज द एक्सेप्शन दैट इज कॉल्ड द कैम्बियम. वी विल डिस्कस प्लांट्स के अंदर होता क्या है. दो तरह से फेसेस होते हैं. एक होती है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ और एक होती है उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. वेजिटेटिव पार्ट्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द 8th क्लास आल्सो कि जो रूट्स लीव्स स्टेम्स ये उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं है ना. एक तो यहाँ पे इसकी डिवीजन होती है फिर भी ये परमानेंट बन जाते हैं. परमानेंट के बाद फिर एक ऐसी स्टेज आती है व्हेन दे अगेन रीडिवाइड and then this stage is called or that at that time we can say permanent tissue become the meristematic. Write down and that is called cambium. Write down cambium exception hai cambium. Exception is cambium. It is the exception जो पहले परमानेंट है अगेन इट डिवाइड एंड बिकम्स अ मेरिस्टेमेटिक. मैम इसका पूरा सेंटेंस रिपीट कर दो. नो बट इन सम प्लांट्स कैम्बियम इज प्रेजेंट. क्या क्या बोल रहे हो दोबारा बोल लो. मैम इसका फुल नेम रिपीट कर दो जैसे इसका आंसर होगा. नो इन सम प्लांट्स हम लिखते कैन परमानेंट टिश्यू बिकम मेरिस्टेमेटिक. वी विल राइट नो बट इन सम ऑफ द प्लांट्स in some of the plants like one type of tissue which is present which remains permanent yeah which is permanent and remain as it is after some time it again it starts to divide and that is called cambium. That is called cambium. अब ये जो कैम्बियम है अब इसमें एक्चुअली होता क्या है. एक देखो अगर हम एक अपने आसपास पौधे देखें तो पौधे शुरू से एक ट्री नहीं होते. मतलब हार्ड नहीं होता बार्क ऑफ ट्री लाइक एक बिल्कुल वुडी सी नहीं बनता. पहले जो ट्री होता है वो एक ग्रीन सा होता है ना जिसमें से प्रॉपर उसकी ग्रोथ होती है. ग्रीन स्टेम होती है वेरी डेलिकेट स्टेम है. आफ्टर दैट यानी कि उसके अंदर उसकी लूज हुई जो टेम्प मेरिस्टेमेटिक है दे कन्वर्टेड इनटू परमानेंट तो वो बन गई एक आपके पास वुडी स्टेम बन गई. ठीक है अब उस वुडी स्टेम के अंदर भी जो वुड होती है पहले प्लांट पतला सा होता है फिर इतना बड़ा हो जाता है उसकी गर्थ बढ़ती है यानी कि उसके अंदर फिर दोबारा से डिविजन होती है. दैट इज अ कैम्बियम. मैं बताती हूँ कि उसमें होता क्या है कि ये परमानेंट की तरह रहता है. इसमें ना दो ग्रोथ है. लाइक अगर हम एक ट्री की बात कर रही हूँ जैसे मैं कि अगर वो ग्रीन सी स्टेम है तो उसकी प्राइमरी ग्रोथ है. और अगर अगर हम देखो ट्री की बात करें तो इसमें एक होती है प्राइमरी ग्रोथ ठीक है और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है जी. अब ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या है. ये हमारे पास ग्रीन सा है जो कि डेलिकेट पार्ट होता है पार्ट ट्री का. ये हमारे पास है वुडी. ये वुड बन जाती है. दिस इज वुडी. अब इस केस में क्या होता है कि जब हमारे पास जो प्लांट होता है प्राइमरी ग्रोथ में वो एक परमानेंट की तरह रहता है. ठीक है प्राइमरी ग्रोथ में वो परमानेंट की तरह बिहेव करता है परमानेंट की तरह रहता है. अब प्राइमरी फेज में परमानेंट होने के बाद
जब वो सेकेंडरी ग्रोथ में जाता है तो वो अपनी लूज कर देता है इट्स प्रॉपर्टी एंड अटेन्स द डिवीजन, है ना, वो लूज कर देता है. बट फिर वहां पे एक स्टेज ऐसी आती है लाइक दिस, आई एम शोइंग इट टू यू. ये यहाँ पे ये है कैम्बियम, दिस इज कॉल्ड कैम्बियम, ठीक है जी. दिस इज जाइलम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, राइट. अब यहाँ पे क्या होता है, जब इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होती है इसके सेल्स बनने शुरू होते हैं, राइट. अब ये जब सेल्स बनने शुरू होते हैं ये ग्रोथ करते हैं, दोबारा फिर ग्रोथ करते हैं, ये बढ़ते जाएंगे और क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम छोटे होते जाएंगे. गेटिंग माय पॉइंट. ये कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम के बाहर ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो जाती है, नई सेल्स बना देता है कैम्बियम जो है वो, अपने नए सेल्स बना देता है जिसकी वजह से जाइलम भी छोटा होता जाएगा एंड फ्लोएम भी छोटा होता जाएगा. जाइलम एंड फ्लोएम रिड्यूस्ड. गेटिंग माय पॉइंट. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम. इसको फिर हम जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है देन दिस इज सेकेंडरी जाइलम एंड दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम. पौधे के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है. अब वहां पे क्या होता है, जब आपका एक प्लांट वुडी प्लांट बन गया, उसकी प्रॉपर हो गई, उसके अंदर दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट होती है, कैम्बियम एक एक्सेप्शन है. वो क्या करता है कि दोबारा से अपने सेल्स को बनाना शुरू करता है, दैट मींस वो मेरिस्टेमेटिक बनना शुरू हो गया. अब वो जब मेरिस्टेमेटिक बनता है तो वो दोबारा से अपनी ग्रोथ करता है, वो फैलना शुरू हो जाता है. जैसे वो बढ़ता जाता है तो जाइलम एंड फ्लोएम रिड्यूस्ड हो जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम रिड्यूस्ड हो जाते हैं. अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं, अगर हम इसको इस तरह से देखें, सर्कुलर फॉर्म में देखें अगर हम, राइट. अब ये देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास है जाइलम और कैम्बियम, जाइलम फ्लोएम तीनों चीजें बनानी है, ठीक है. ये है जाइलम, राइट. दिस इज जाइलम, जो अंदर है वो जाइलम है, ठीक है. बीच में ये मेरे पास हो गया कैम्बियम, दिस इज जाइलम, ये कैम्बियम, और ये मेरे पास हो गया फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम. अब क्या होगा, जैसे जैसे ये दोबारा ग्रो करता है, कैम्बियम जो है वो बढ़ना शुरू हो गया. कैम्बियम ने क्या करा, उसने अपनी ग्रोथ कर दी. कैम्बियम अब बढ़ना शुरू हो गया. जब कैम्बियम बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेट एक सेकेंड, कैम्बियम जब बढ़ना शुरू हो जाएगा यानी कि अपने आप को यहां से बढ़ाता जाएगा, ठीक है. ये इंक्रीज होता गया, ये यहां पे आ गया, यानी कि फ्लोएम रिड्यूस होता गया, ये अपनी ग्रोथ करता जाएगा. ये बाहर की तरफ भी ग्रोथ करेगा, अंदर की तरफ भी करेगा, तो यानी कि ये जाइलम भी छोटा होता जाएगा और फ्लोएम भी छोटा होता जाएगा. दिस इज द एक्सेप्शन. किसका आंसर लिख रहे हैं हम, कि परमानेंट टिश्यू बिकम मेरिस्टेमेटिक, अदरवाइज द आंसर इज नो, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज कैम्बियम. कैम्बियम अपना क्या करता है, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करता है, जाइलम एंड फ्लोएम नए बनने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से पुराने वाले रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं. इज इट क्लियर, इज इट मैम. ये कैम्बियम का डायग्राम है, ये कैम्बियम नहीं, एक प्लांट की कटिंग करके दिखाई है. जैसे अगर एक स्टेम को काटे तो स्टेम का जो क्रॉस सेक्शन है वो बता रही है कि उसके अंदर आपको कैसे विजिबल होता है, कि कैसे साइड वाला भी जो उधर ना हुआ है, वो सिंपली आपको बता रही हूँ ना कि कैसे उसकी ग्रोथ होती है, वो कैसे बढ़ता जाता है. ओके, वो क्रॉस सेक्शन था, जो सर्कुलर होता है उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं. ओके, ऐसा भी केस होगा कि मैम जो मतलब वो कैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा. गुरपाल, अगर हम कह रहे हैं कि वो अपनी जोन बढ़ाता जाएगा तो वो बाहर वाले सेल को तोड़ देगा, ठीक है. बाहर भी कैम्बियम बन गया तो सेकेंडरी ग्रोथ में जाइलम फ्लोएम नए बन जाते हैं, प्राइमरी ग्रोथ में पहले ही उसमें प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ में जाइलम एंड फ्लोएम नए बन जाते. इज दैट क्लियर बेटे? मैम मेरिस्टेमेटिक केसेस में मैम ऐसा भी केस हो सकता है कि मैम वो परमानेंट में कन्वर्ट ना हो. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कह रहे हो? मैम मेरिस्टेमेटिक केसेस में ऐसा भी केस हो सकता है कि मैम वो परमानेंट में कन्वर्ट ना हो. नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल कन्वर्ट इनटू परमानेंट. परमानेंट
to become the meristematic, there is exception, that is cambium. Clear hai? Okay. Right, bete?